हेलो फ्रेंड्स, आपका वेलकम है अंशुल किचन में। आज हम बनाएंगे दाल पकवान। उसके लिए हमने एक कप टोरी दाल भिगोई है, हमने एक घंटे पहले से भिगोई थी। अब इसको हम बॉईल करेंगे। इसका पानी निकाल देते हैं। अब हम इसे बॉईल करने के लिए रख देंगे। एक कटोरी दाल के साथ हम तीन कटोरी पानी डालेंगे उसमें और इसको बॉईल करने के लिए रख देंगे। सब इसमें पानी डाल दिया हमने। अब हम इसमें हल्दी डालेंगे। अब इसमें एक टीस्पून हल्दी डालेंगे। और थोड़ा सा देसी घी डालेंगे। अगर आपके घी एक्सेप्ट करके आप रिफाइंड ऑयल भी डाल सकते हैं। थोड़ा अब हम इसमें नमक डालेंगे टेस्ट अनुसार, ठीक है। और इसको बॉइल कर लेंगे। इसको इसे हम 10 मिनट लो स्लिम पे पकाएंगे इसको, ठीक है फ्रेंड। अब उसके बाद हम पकवान की तैयारी कर लेते हैं। ओके, तो अब हमारी दाल पक रही है। इतने में हम अपनी पकवान की तैयारी कर लेते हैं। हम इसका आटा लगा लेते हैं। अब हम इसमें 3 चम्मच ऑयल डालते हैं, रिफाइंड ऑयल डाले हमने। इसमें टेस्ट अनुसार नमक है, अजवाइन है, ठीक है। और इसका हम मोइन चेक कर लेते हैं। ये मैदा 200 ग्राम के आसपास मैदा है ये। अब हम ये लगा लेंगे मैदा, ठीक है। जब तक हमारी दाल सिम पे पकती है हम लोग मैदा लगा लेते हैं, ठीक है। हमें मोइन लगा के चेक करना है कि मोइन ठीक लगा है या नहीं लगा, क्योंकि इससे क्रिस्पी टेस्ट आता है। इसीलिए तो हमें पहले मैदा लगा के देखना है। मुझे थोड़ा सा ये कम लग रहा है इसमें मैदा, इसलिए मैं अब इसको थोड़ा सा और वो डालूंगी इसमें रिफाइंड, ताकि इसमें थोड़ा सा मोइन अच्छा सा हो जाए। अच्छा मोइन लगने से ये रहता है कि हमारे पकवान काफ़ी क्रिस्पी बनते हैं, ठीक है। तो इसलिए आप मोइन अच्छे से लगाएं इसमें और इसको अच्छे से मिलाकर फिर इसमें हल्के हल्का पानी डाल के आराम आराम से भूनना है इसे। अब देखो इसमें फ्रेंड्स मोइन अच्छे से लग चुका है। इसे दबा के हम चेक करेंगे। अब मैंने पानी लिया है। अब मैं थोड़ा थोड़ा पानी करके इसमें डालती जाऊंगी और इसका आटा दो तैयार करते जाएंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका दो थोड़ा सख्त लगाना है, जैसे पूरी का आटा लगाते हैं हम, ठीक उसी तरीके से ये आटा लगाना है हमें, ठीक है। दोस्तों अब हमारा डो एकदम रेडी हो चुका है। अब हम इसे 15 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देंगे। थोड़ा सा हम इस पर ऑयल लगा देंगे ताकि ये मतलब सूखे ना, ठीक है। अब हमने इसको 15 मिनट के लिए रख दिया गैस पे। अब तो हमारी दाल बॉईल हो चुकी है, तो हमने इसमें बॉईल में निकाल चुके हैं दाल। और हमने अब तड़के की तैयारी करते हैं। तड़के के लिए हमने लिए रेड चिली, कश्मीरी रेड चिली, गर्म मसाला, धनिया पाउडर, रेड चिली मतलब मिर्ची एंड हरी वाली लाल मिर्ची और थोड़ा सा नमक और अदरक कटा हुआ और ये हरा धनिया लिया है। अब हमने ये कढ़ाई रखी है। अब हम इसमें 1 चम्मच तेल डालेंगे। अब हम इस तेल को गर्म होने देंगे। अब हम अपने तड़के के लिए डालेंगे 1 चम्मच जीरा। उसके बाद डालेंगे हम हरी मिर्च। उसके बाद डालेंगे लाल साबुत मिर्ची कटा हुआ और इनको मिला लेंगे। अब इसे हम डालेंगे, अब हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून हींग। ये टेस्ट में अच्छा टेस्ट आता है हींग से। अब हमने इसे लो फ्लेम पे पकाना है।
अब हम इसमें ये सामान डालेंगे। अब हम इसे लो फ्लेम पे भूनना है। टमाटर की प्यूरी बना रखी थी, अब हम इसमें डाल देंगे और इसे अच्छे से भूनने देंगे। टमाटर को लो फ्लेम पे ही इसे अच्छे से भूनना है। अब हमारा मसाला अच्छे से भून चुका है, अब हम इसमें उबली हुई दाल डालेंगे। और इसे मिलाएंगे अच्छे से। देखो दोस्तों हमारे दाल में कितना अच्छा कलर आया है। अब इसे 5 मिनट के लिए इसमें पकने देंगे। इसमें तो दोस्तों हमारी दाल बनके तैयार हो चुकी है। अब हम इसमें ये धनिया मिला देंगे, इससे ये अच्छा फ्लेवर देगा। और थोड़ा धनिया गार्निशिंग के लिए रख देंगे। पकवान की तैयारी करते हैं। तो दोस्तों अब हमने जैसा बताया था आपको, 15 मिनट हो चुकी है और हमारे आटे ने रेस्ट कर दिया है। और देखो कितना बढ़िया सा हो चुका है हमारा आटा। और हमने कढ़ाई में तेल रख चुके हैं हम इसे गर्म होने के लिए। अब हम अपने पकवान की तैयारी करते हैं। हमने छोटी छोटी लोया बनाई है पूरी जैसी। और अब हम इसको बेल लेंगे। मैं इसमें हल्का सा तेल लगा लेना है ताकि इसे अच्छे से बेल जाएंगे। इसे भी पतला बेलना है। दोस्तों जरूरी नहीं है इसे गोल ही बेले, ठीक है, जैसा आपको ठीक लगे आप वैसा बेल सकते हैं। हमने इसे काफी पतला बेल चुका है उसे। अब हम इसे फोर्क की हेल्प से इसमें, ताकि ये फूले ना। अब इसमें इसे होल करेंगे आगे पीछे दोनों तरफ से। अब हम दूसरी बेल लेंगे इसे। अब हमने दूसरी भी बना ली। अब इसमें भी दूसरे में भी इसी तरीके से होल कर लेंगे। अब हमारा तेल गर्म हो गया। अब हम चेक करेंगे आटा डाल के कि हमारा तेल गर्म हुआ है या नहीं हुआ। हमारा तेल अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हम इसमें ये डाल देंगे और मीडियम टू लो फ्लेम पे से पकने देंगे। अब हम इसे पीछे से भी सेक लेंगे। तो दोस्तों अब हमारा पकवान पककर बिल्कुल तैयार है। अब हम इसी तरीके से दूसरे पकवान को भी डालेंगे और इसी तरह से एक एक करके सारे पकवान इसी तरीके से पका लेंगे।
अब हमारे दाल पकवान रेडी हो चुके हैं। हमने पकवान अब प्लेट में निकाल लिए हैं और ये इसके साथ दाल और इसको थोड़ा सा हरे धनिये से गार्निश करेंगे और ये अदरक और रेडी है हमारे दाल पकवान। आप अपने पकवान को चाय के साथ भी खा सकते हैं और ये बहुत टेस्टी बने हैं। और प्लीज अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें।